एवरीवन, इस वीडियो का टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। किसी भी एक सेल में बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में सारी ऑर्गेनलीज होती हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम्स एक्सेट्रा। और एक सेल के अंदर जो आउटर बाउंड्री है हर एक सेल में, वो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो कोई भी सेल है, सेल कोई राउंडेड भी हो सकती है, सेल आपकी ऐसे भी हो सकती है, एक सेल आपकी किसी भी शेप की कोई भी सेल हो सकती है। जैसे ये न्यूरॉन की सेल है, ये भी एक सेल है, न्यूरॉन भी नर्वस सिस्टम की एक सेल है। तो सेल किसी भी शेप की हो सकती है, बट हर एक सेल में बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन होती है जो कि इसको कवर करके रखती है बाहर। ओके, और उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म जिसमें बहुत सारी ऑर्गेनलीज होती हैं, और बीच में एक होता है न्यूक्लियस। तो किसी भी सेल में सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है, और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनलीज होती हैं। तो इसमें से हम पढ़ रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये भी आ जाता है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, या फिर सेल मेम्ब्रेन पे कोई शॉर्ट नोट भी आ सकता है। ओके, तो और सेल मेम्ब्रेन एक जनरल फिजियोलॉजी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी हार्मोन की मैकेनिज्म, किसी न्यूरोट्रांसमीटर की मैकेनिज्म, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जैसे रिसेप्टर्स हैं, चैनल्स हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपकी दो चीज़ों की बनी है मेनली, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स की। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है। इसमें दो लेयर फॉस्फोलिपिड के, ये देखिए ये एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, फॉस्फोलिपिड की एक ऐसे मॉलिक्यूल है, एक दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे है। ये पूरी आप सेल मेम्ब्रेन से मान लीजिए, एक सेल के चारों तरफ हमने इसका एक स्मॉल पोर्शन दिखाया हुआ है। तो कोई भी सेल जो है वो आपकी लिपिड बाई लेयर में एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई। तो लिपिड बाई लेयर की बनी हुई है ये सेल मेम्ब्रेन, और उसके बीच में प्रोटीन एम्बेडेड होती है। ये सारी की सारी जो है वो प्रोटीन्स हैं, जो कि डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। ओके, अभी इनको हम डिस्कस करेंगे, ये प्रोटीन्स कैसी होती हैं और लिपिड बाई लेयर कैसी होती है। तो एक सेल मेम्ब्रेन दो चीज़ों की मेनली बनी हुई है, लिपिड बाई लेयर एंड इसमें एम्बेडेड होती हैं प्रोटीन्स, फाइन, और थोड़ा सा अमाउंट में इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो प्रोटीन होती है हमारी सबसे ज़्यादा, विच इज़ 50%, लिपिड होता है 45%, और कार्बोहाइड्रेट होता है हमारा 5%। तो सबसे ज़्यादा क्या है, प्रोटीन है, उसके बाद लिपिड है, और ये 7 to 10 नैनोमीटर थिक होती है। जो थिकनेस है मेम्ब्रेन की वो 7 to 10 होती है। डिफरेंट टाइप के, जैसे हर जगह पे सेल की जो थोड़ी बहुत डिफरेंस हो सकता है उसकी थिकनेस में, तो ये होती है इसकी थिकनेस। इसके लिए बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं। जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल है वो है सिंगर एंड निकोलसन का, इसको कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये शॉर्ट नोट भी आ जाता है, दैट शॉर्ट नोट ऑन द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो जैसा ये कह रहा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में भी स्ट्रक्चर इसकी सेम है कि प्रोटीन बाई लेयर और प्रोटीन से मिलके बनी हुई है। तो इसमें खास बात ये चीज़ है, वो कहते हैं कि ये जो बाई लेयर है, मतलब इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं इसका, जो ये आपका सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, सबसे पहले तो ये इसमें पॉइंट्स हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कहते हैं कि बाई लेयर ऑफ द फॉस्फोलिपिड, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एम्बेडेड विद द प्रोटीन्स। अब इसमें जैसे कह रहा है कि फ्लूइड और मोज़ेक, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें फ्लूडिटी होती है। ये कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में फ्लूडिटी होती है। फ्लूडिटी का मतलब क्या है, इसमें जो फॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंट्रा मेम्ब्रेन, मतलब विद इन द मेम्ब्रेन थोड़े मूव हो सकते हैं, इधर से इधर भी मूव हो सकते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, मतलब थोड़े सी यू कैन से कि थोड़े डिस्टेंस तक वो मूव कर सकते हैं। तो फॉस्फोलिपिड भी मूव कर सकते हैं, उनके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो भी रिडिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, मतलब वो थोड़ा बहुत इधर उधर मूव कर सकती हैं और वो रिडिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं। रिडिस्ट्रीब्यूट उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है, जैसे इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो चैनल की तरह काम करते हैं, कैरियर की तरह काम करते हैं, रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं। तो कई बार रिसेप्टर्स कम भी हो जाते हैं, कई बार रिसेप्टर बढ़ भी जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। ओके, तो इसमें फ्लूइडिटी दोनों में है, फॉस्फोलिपिड में भी है और प्रोटीन के अंदर भी है। तो फ्लूइडिटी का मतलब है इनमें जो इन दोनों चीज़ों का थोड़ा रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड ऑल्सो द प्रोटीन। पर ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन इस मेम्ब्रेन के ही थ्रू, मतलब थोड़ा ही डिस्टेंस तक हो सकता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंट्रा मेम्ब्रेन रीडिस्ट्रीब्यूशन।
और इसमें इंट्रा मेम्ब्रेन दे कैन मूवमेंट भी हो सकती है, इसमें इंट्रा मेम्ब्रेन मूवमेंट हो सकती है लिपिड्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की। तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है थोड़े से इधर उधर जा सकते हैं, प्रोटीन भी थोड़ी बहुत इधर उधर जा सकती हैं और उनका रिडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। इसे ही हम कह रहे हैं फ्लूड मोज़ेक मॉडल, मतलब वो फिक्स नहीं होती है। इंटीग्रिटी तो मेम्ब्रेन की फिक्स होती है, मतलब मेम्ब्रेन जो है वो इंटीग्रेटेड होती है, वो ऐसा नहीं कि वो डिसरप्ट हो जाएगी, लेकिन इसमें ये चीज़ें थोड़ी बहुत मूव कर सकती है फॉर सम फंक्शन। ओके, अब हम अलग अलग पढ़ते हैं कि लिपिड्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और इसके प्रोटीन्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आता है लिपिड। इसमें जो लिपिड बना होता है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल, तीन टाइप के मेनली लिपिड होते हैं, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसमें फॉस्फेट है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है साथ में अटैच होके। फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल मेजर तीन तरह के लिपिड्स होते हैं। और फॉस्फोलिपिड के अंदर भी मेनली फॉस्फेटिडाइल कोलीन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन और फॉस्फेटिडाइल एथेनोलामीन भी होता है और स्फिंगोमाइलिन। मतलब ये कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट हैं जो आप सर्फेक्टेंट में भी यही टाइप के फॉस्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। तो फॉस्फोलिपिड में भी आपको पढ़ना है, इसलिए यहाँ भी इनको याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो फॉस्फेटिडाइल को कॉमन रख लेना, फॉस्फेटिडाइल कोलीन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन। ओके, फॉस्फेटिडाइल कोलीन, फॉस्फेटिडाइल सीरीन और स्फिंगोमाइलिन, इस टाइप के इसमें ये फॉस्फोलिपिड के अंडर में ये इस टाइप मेनली ये कुछ फॉस्फोलिपिड्स आते हैं। दूसरा इसमें खास चीज़ होती है कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमने एक लिपिड की एक साइड की जो लेयर है उसका एक मॉलिक्यूल बनाया है। इसमें ये हेड होता है एक ग्लोबुलर और उसमें दो टेल होती है। जो हेड है वो होता है हाइड्रोफिलिक हेड होता है और वो फॉस्फेट का बना होता है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, वाटर लविंग। फिलिक मतलब किस चीज़ के लिए एफिनिटी होना और हाइड्रो मीन्स वाटर, तो ये वाटर लविंग है जो इसके हेड होते हैं। तो वाटर लविंग का मतलब होता है इट इज सॉल्युबल इन वाटर बट नॉट सॉल्युबल इन फैट। तो जो हेड वाला पोर्शन है वो फैट में सॉल्युबल नहीं होता, वाटर में सॉल्युबल होता है। इसकी जो टेल है वो बनी होती है फैटी एसिड्स की, फैटी एसिड्स की टेल बनी होती है और वो है हाइड्रोफोबिक। फोबिक हम बोलते हैं किसी डर, डर को जैसे फोबिया होता है उसको डर बोलते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है कि ये पानी से दूर रहती हैं, मतलब दे स्टे अवे फ्रॉम द वाटर। तो ये वाटर इनसॉल्युबल होती है, मतलब वाटर में सॉल्युबल नहीं हो सकती टेल्स इसकी, बट फैट सॉल्युबल होती है। तो यानी हेड और टेल अपोजिट होते हैं, जो टेल है वो वाटर इनसॉल्युबल होती है बट फैट में सॉल्युबल होती है, और ये वाटर में सॉल्युबल होती है बट फैट में इनसॉल्युबल होता है इसका जो हेड है। तो अब आप देखेंगे इस तरीके से सिचुएटेड है, तो इसका मतलब क्योंकि हेड तो आपका हाइड्रोफिलिक है तो बाहर की तरफ वाटर की चीज़ें हैं, लेकिन अंदर की तरफ जो मेजर पोर्शन है वो आपका हाइड्रोफोबिक टेल से बना हुआ है। यानी ये दोनों अपोजिट साइड में डायरेक्टेड होती हैं, हेड दोनों साइड में बाहर होते हैं, तो इस तरीके से मेम्ब्रेन बनी होती है। ओके, इन दोनों इसकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से ही सेल जो है सेमी परमिएबल होती है, मतलब कुछ चीज़ों को पास कर सकती है कुछ चीज़ों को पास नहीं कर सकती। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारी सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल क्यों, किसकी वजह से, ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट पोलैरिटी है हेड और टेल की, उसी की वजह से है। तो लिपिड सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस हैं जैसे ऑक्सीजन, अल्कोहल, वो इसके थ्रू पास हो जाते हैं, क्योंकि जो मेजर पोर्शन है वो आपका लिपिड की जो मतलब हाइड्रोफोबिक है मेनली। ठीक है, तो जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और अल्कोहल में पास हो जाते हैं इससे, बट वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, वो इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं हो पाते। तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू फैट सॉल्युबल चीज़ें आसानी से पास हो जाती हैं, फैट सॉल्युबल आसानी से पास हो जाती हैं, जो वाटर सॉल्युबल हैं वो आसानी से पास नहीं होते। तो पास नहीं होते तो फिर उनके लिए कुछ ना कुछ आपको स्पेसिफिक अरेंजमेंट करना पड़ेगा, और वही अरेंजमेंट आपका प्रोटीन उसमें हेल्प करती है, क्योंकि प्रोटीन कैन एक्ट एज चैनल, प्रोटीन कैन एक्ट एज कैरियर, पम्प्स और जो भी है वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत है इसमें। तो अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। तो प्रोटीन जो है आपकी, इसमें दो तरह की प्रोटीन होती है, एक होती है इंटीग्रल प्रोटीन और एक होती है पेरीफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरीफेरल प्रोटीन, जो पेरीफेरल प्रोटीन है वो भी दो तरह की होते हैं, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अलग अलग बुक में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, किसी बुक में कुछ लिखते हैं किसी में कुछ लिखते हैं, बट आफ्टर द रिसर्च मैंने आपको ये फाइनल लिखा है कि इसमें इंटीग्रल प्रोटीन और पेरीफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल जैसा नाम बता रहा है तो इंटीग्रल प्रोटीन सेल के मेजर पोर्शन को कवर रखती है, मतलब सेल के मेजर पोर्शन में
जाती होती हैं, और ये तभी, ये जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से एसोसिएटेड रहती हैं। ये तभी सेल मेम्ब्रेन से रिमूव हो सकती हैं जब आप सेल को डिसरप्ट करो, मतलब आप किसी केमिकल को यूज़ करके नहीं उसको डिसरप्ट कर, मतलब अलग कर सकते इस प्रोटीन्स को, आपको जो है कोई ना कोई, आपको पूरा सेल को ही डिसरप्ट करना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को, सॉरी। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ में इंटीग्रल प्रोटीन एसोसिएटेड रहती है। अब इस इंटीग्रल प्रोटीन में भी कई सारी हो सकती है, या तो पूरी की प्रोटीन जो है वो सेल के थ्रू एंड थ्रू पास हो रखी है, या फिर वो हो सकता है मेजर पोर्शन बाहर की तरफ हो उसका और बाकी में नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेजर पोर्शन उसका अंदर की तरफ मेजर प्रोटीन है वो। तो जो थ्रू एंड थ्रू पास होती है, जैसे ये देखिए, ये इंटीग्रल प्रोटीन की टाइप है जो थ्रू एंड थ्रू पूरी सेल मेम्ब्रेन से पास हो रही है, इस टाइप की प्रोटीन को हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन आपकी जो थ्रू एंड थ्रू पूरी लिपिड बायलेयर से पास हो रही है, दैट इज ट्रांस मेम्ब्रेन। ये भी आपकी इंटीग्रल ही प्रोटीन है, और ये भी आपकी इंटीग्रल प्रोटीन है, क्योंकि ये मेजर पोर्शन ये थोड़ा बाहर की तरफ ज्यादा है, ये मेजर पोर्शन अंदर की तरफ ज्यादा है, लेकिन सेल में ये अच्छे से थोड़ा घुसी हुई है, समझ सकते हो कि सेल के काफी सारे पोर्शन में ये है। तो इंटीग्रल प्रोटीन ट्रांसमेम्ब्रेन भी हो सकती है, इंटीग्रल प्रोटीन थोड़ी बाहर जिनका मेजर पोर्शन एक्स्ट्रा सेलुलर है उसमें भी है, इंटीग्रल प्रोटीन ऐसी भी हो सकती है जो मेजर पोर्शन है वो मतलब अंदर की तरफ है इसका, या फिर एटलीस्ट उस सेल मेम्ब्रेन की लेयर में वो एक लिमिट में है, मतलब कुछ पोजीशन में उसमें है वो। सो दे आर इंटीग्रल प्रोटीन, और ये जो है बाइंड रहती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के थ्रू इसमें बाइंड रहती हैं, और इनको जब तक हम सेल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे इनको सेल से अलग नहीं किया जा सकता, ओके। और दूसरी तरह की प्रोटीन होती है आपकी पेरीफेरल प्रोटीन, तो ये पेरीफेरली अटैच हैं। अब पेरीफेरल भी, सेल मेम्ब्रेन का पेरीफेरी भी दो होता है, जैसे ये सेल है, सेल के ये एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया, अंदर की तरफ इंट्रा सेलुलर हो गया, तो आउटर में भी थोड़ी सी ये हो सकती है, तो ये भी आपकी पेरीफेरल प्रोटीन है, या फिर ये भी पेरीफेरल प्रोटीन है जो इसके इनर साइड में अटैच हो रखी है, तो ये भी आपकी पेरीफेरल प्रोटीन है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड की तरफ है, और ये भी आपकी पेरीफेरल प्रोटीन है जो कि इंट्रा सेलुलर फ्लूड की तरफ है, लेकिन जो बाहर की तरफ है इनका नाम है एक्सट्रिंसिक, और जो अंदर की तरफ है इनका नाम है इंट्रिंसिक, ओके। बट ये बहुत ही वीक बॉन्ड से एसोसिएटेड रहती हैं, और इनको हम अलग कर सकते हैं थ्रू दी सम केमिकल्स, कुछ केमिकल्स यूज करके इनको अलग किया जा सकता है, ओके। तो देर आर दी टू टाइप ऑफ प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन एंड दी पेरीफेरल प्रोटीन, ओके। तो इंटीग्रल प्रोटीन में आप जो है, इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं आपकी और पेरीफेरल प्रोटीन होती हैं, तो इंटीग्रल प्रोटीन में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी है जो कि थ्रू एंड थ्रू पास कर रही हैं थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, और इंटीग्रल प्रोटीन में ऐसी प्रोटीन भी है जो कि थोड़ी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ ज़्यादा है, और एक कुछ ऐसी हैं जो आपकी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ मेजर इसका अटैचमेंट होता है। लेकिन चाहे कोई सी भी इंटीग्रल प्रोटीन हो, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, और उनको आप ऐसे, उनको हम सेल से तभी अलग कर सकते हैं जब सेल को डिसरप्ट किया जाए, ओके। और दूसरी तरह की प्रोटीन है एक्स्ट्रा दिस पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन वीक बॉन्ड से एसोसिएटेड होती हैं, वो सेल मेम्ब्रेन के सिर्फ थोड़े ही पोर्शन में एम्बेडेड होती हैं, दे आर एम्बेडेड इन अ वेरी स्मॉलर डिस्टेंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ अटैच होती हैं वो पेरीफेरल प्रोटीन होती हैं, जो अंदर की तरफ अटैच होती हैं वो आपकी वो एक्सट्रिंसिक है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ओके। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। अब जो इंटीग्रल, जो आपकी ये वाली प्रोटीन्स हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, वो प्रोटीन इंपॉर्टेंट, उनका काफ़ी फंक्शन होता है, वो एज अ चैनल काम कर सकती है। तो चैनल की तरह से कैसे काम कर सकती है, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, मैंने ऐसे बना दिया इसको, ठीक है, यहाँ पे आपकी बायलेयर है, लिपिड बायलेयर, तो वो चैनल की तरह भी काम कर सकती है। चैनल हमें कैसे बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन में, जैसे आपको कोई चैनल बनाना है तो चैनल आप इस तरीके से बनाते हैं, तो ये हो गया आपका चैनल। जैसे ये सपोज करिए ये सोडियम चैनल है, इसके थ्रू सोडियम एंटर हो पा रहा है, तो ये प्रोटीन जो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है वो आपकी एज अ चैनल प्रोटीन की तरह भी काम कर सकती हैं, जिनके थ्रू कोई भी आयन या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस, मैंने बताया था कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस आसानी से पास नहीं कर सकते, तो इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर सोल्यूबल जो सब्सटेंसेज हैं उनको पास करने के लिए ये एज अ चैनल भी काम करती हैं, या फिर ये एज अ पंप काम कर सकती हैं,
एज अ पम्प काम कर सकती हैं, एज अ कैरियर भी काम कर सकती हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया एज अ चैनल काम कर रही हैं। दूसरा आपका होता है ये एज अ कैरियर काम कर सकती हैं। अभी हम आगे वीडियोस में पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में ये एज अ कैरियर काम करती हैं। कैसे कैरियर काम करती है, जैसे ये एक प्रोटीन है तो ये आपका जाता तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में है, लेकिन इनके साथ में वो चीज़ बाइंड हो जाती है और बाइंड होकर ये दूसरे एरियाज़ में इधर फेंक दी जाती है। तो कैसे, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल थोड़ा फनी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक सेल मेम्ब्रेन है, ओके, और ये हमारी सेल मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लेके चलती हूँ। ये एक जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने इसको थोड़ा सा एज अ बर्ड टाइप से बना लिया, ठीक है। ये क्या करेगी, कोई भी एक केमिकल होगा बाहर वाला, उसको जैसे आप सपोज करेंगे यहाँ पर कोई सब्सटेंस है जिसको इसको लेना है, तो ये यहाँ पर अटैच करेगी अपने साथ। अब ये अटैच करेगी, फिर ये अगले पोर्शन में आप इसको देखेंगे कि ये इसको अटैच किया हुआ इसने यहाँ से लिया, और यहाँ पर चेंजेस होते हैं, उन्हें कहते हैं कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। तो ये सोचिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड से चीज़ हमारी इंट्रा सेलुलर फ्लूड में सब्सटेंस आ गया, तो ये यहाँ से अगले उसमें ये यहाँ छोड़ देगी इसको। तो यानी इस चेंज को क्या बोल रहे हैं उस प्रोटीन में, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होके ये आपका एज अ कैरियर भी काम कर रही है। तो एज अ चैनल काम कर सकती है, एज अ कैरियर काम कर सकती है, या एज अ पंप भी काम कर सकती है, वो भी आप आगे ट्रांसपोर्ट्स में पढ़ेंगे। एज अ पंप भी सेल मेम्ब्रेन काम कर सकती है, जैसे सोडियम पंप है, पोटेशियम पंप है, हाइड्रोजन पंप है। तो पंप जो है उसमें एनर्जीज होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट होता है, इसमें एनर्जी यूज होती है और उसमें किसी भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ इस चीज़ को फेंक दिया जाता है। जैसे आपका सोडियम पोटेशियम पंप है, तो बहुत कॉमनली हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पढ़ते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, तो एज अ पंप भी काम कर सकती है। इसके थ्रू सोडियम सेल के अंदर आता है, पोटेशियम सेल के बाहर जाता है। कैसे, जैसे हम ये एक सेल मेम्ब्रेन है, इसका एक ये थोड़ा सा हम इसको ऐसे समझते हैं, ये देखिए ये एक पंप है, यहाँ पे एक सब्सटेंस बाइंड हुआ बाहर की तरफ से और अंदर की तरफ से एक सब्सटेंस बाइंड हुआ, ठीक है। सपोज करिए ये सोडियम बाइंड हुआ, ये पोटेशियम बाइंड हुआ, ठीक है। तो सॉरी, ये जो है पोटेशियम बाइंड हुआ, क्योंकि पोटेशियम अंदर आता है, सोडियम बाहर जाता है इसके थ्रू, ये सोडियम बाइंड हुआ। तो अब इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आएंगे और ये कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कर सकती है। तो जो बाहर वाला पोर्शन है वो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होकर अंदर आ गया और अंदर वाला बाहर आ गया, तो ये चीज़ इधर आ गई, सॉरी ये चीज़ इधर आ गई, तो ये सोडियम जो है वो बाहर चला गया और पोटेशियम अंदर आ गया। तो ये सोडियम है बाहर चला गया और ये पोटेशियम आपका अंदर आ गया बाहर से, ओके। तो सोडियम पोटेशियम पंप है, इसके थ्रू थ्री सोडियम बाहर जाते हैं और दो पोटेशियम अंदर आते हैं। इसको भी हम एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल आप याद रख सकते हो कि द इंटीग्रल प्रोटीन, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, दे कैन एक्ट एज चैनल, दे कैन एक्ट एज कैरियर, दे कैन एक्ट एज कैरियर, दे कैन एक्ट एज पंप और दे कैन एक्ट एज रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन है वो रिसेप्टर्स का काम करती है, उनसे कोई केमिकल बाइंड हो सकता है और फिर सेल के अंदर चेंज होते हैं, तो वो एज अ रिसेप्टर भी काम कर सकती है, वो एज अ एंटीजन भी काम कर सकती हैं। एंटीजन भी, प्रोटीन भी एंटीजन होती है। जैसे एंटीजन आपके आरबीसी है, आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन पे प्रोटीन होती है और वो एज अ ब्लड ग्रुप काम करते हैं, जैसे ए बी और ओ ब्लड ग्रुप है, तो वो किससे आप कर रहे हैं, आरबीसी की मेम्ब्रेन पे ए टाइप के एंटीजन है, ए टाइप का एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ए हुआ, बी टाइप का एंटीजन तो ब्लड ग्रुप बी हुआ, तो एज अ एंटीजन भी काम करते हैं। वो एज अ एंजाइम भी काम कर सकते हैं, स्पेशली जो सेल के अंदर की तरफ जो प्रोटीन है, इस टाइप की जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है, ऑल्सो जो पेरीफेरल प्रोटीन अंदर वाली है, यानी इंट्रिंसिक प्रोटीन और इस टाइप की इंटीग्रल प्रोटीन, ये सब क्योंकि सेल के अंदर की साइड में है, वो एंजाइम का काम करते हैं, वो किसी रिएक्शन को बढ़ाने का या घटाने का काम कर सकती हैं। तो जस्ट आप थोड़ा सा ध्यान रख लें कि एज अ चैनल, एज अ कैरियर, एज अ पम्प, एज अ रिसेप्टर, एज एन एंटीजन और एज एन एंजाइम ये काम कर सकती हैं, ओके। तो फ्लूड मोजेक मॉडल में क्या हुआ कि ये
टू फॉस्फोलिपिड्स, टू लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है, और उसमें प्रोटीन्स हैं जो कि आपकी इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन होती है। अभी हम इसका देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज इट इज अ बाउंड्री ऑफ द सेल, सेल की बाउंड्री होने के लिए, क्योंकि एज अ सेल की बाउंड्री है तो एज अ आपका प्रोटेक्टिव काम करती है, तो प्रोटेक्शन भी देती है सेल को, जिससे बाहर के एजेंट्स का एकदम डायरेक्ट इस पर इफेक्ट नहीं हो। दूसरा, ये सेल के वॉल्यूम को मेंटेन करती है, क्योंकि एक आउटर बाउंड्री है तो सेल का आपकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम करती है, सेल का वॉल्यूम भी मेंटेन करती है। वॉल्यूम कैसे मेंटेन करती है? इस सेल मेम्ब्रेन में होते सोडियम पोटेशियम पम्प, तो जैसे सेल है, सेल के थ्रू ये जो सेल में, मैं अभी सोडियम पोटेशियम पम्प बताया था, इसमें 3 सोडियम बाहर चले जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर आते हैं। तो अंदर की तरफ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, ये अभी हम पंप के उसमें चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, तो जो ट्रांसपोर्ट का चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो अगर देखें आप, तो वॉल्यूम्स मतलब जो आयन्स हैं वो ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, अंदर कम आ रहे हैं, तो अंदर की तरफ जो ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स हैं वो कम हो रहे हैं, इसलिए इसका जो वॉल्यूम है ये बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है। ऐसा नहीं है कि सेल का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और वो सेल बर्स्ट हो जाए, तो ये सेल के वॉल्यूम को मेंटेन रखने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है बाय द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पम्प। दूसरा जो है, ये मेंटेन रखती है हाई पोटेशियम इन द सेल और हाई सोडियम आउट ऑफ द सेल। इंट्रा सेलुलर फ्लूड को ICF लिखा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड को आपने ECF लिखा है। तो जैसे अब ये पंप है इसमें, क्योंकि ये इसमें पंप होता है इस तरह से, तो इस पंप के थ्रू सोडियम बाहर ज़्यादा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में, और इंट्रा सेलुलर फ्लूड में पोटेशियम ज़्यादा होता है बाय द हेल्प ऑफ दिस पंप। तो ये इस कंसंट्रेशन को भी मेंटेन रखती है, और ये कंसंट्रेशन पोटेशियम के अंदर ज़्यादा होना, सोडियम के बाहर ज़्यादा होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है। तो न्यूरॉन्स में और मसल्स में ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को जो डेवलप होता है, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, और जब उसमें कोई मैसेज आता है, कोई स्टिमुलाई आता है, तो सोडियम की जो एंट्री है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सोडियम की परमियाबिलिटी उस सेल के अंदर बढ़ जाती है, तो वहाँ पर चार्जेस डिफरेंस हो जाते हैं, एंड जिसे हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल को मेंटेन करने का जो काम है, या फॉर्म करने का जो काम है, वो सेल मेम्ब्रेन ही करती है। फिर इट हेल्प्स इन रिकॉग्नाइजिंग द फॉरेन एंटीजन और सेल। जैसा कि WBC की मेम्ब्रेन है, वाइट ब्लड सेल्स की, उस पर रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि कोई बाहर से बैक्टीरिया आया है, कोई फॉरेन एंटीजन आया है, उसको रिकॉग्नाइज करती है और फिर उसको खा लेती है। तो फैगोसाइटोसिस का जो काम है, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ की डिफरेंट सेल्स होती हैं, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कुछ स्पेसिफिक पेकुलरिटी भी होती है फॉर सम वर्क, तो वो एज अ फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके, या फिर फॉरेन सेल को, कोई बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करके फैगोसाइटोसिस करा सकती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ओवरऑल फंक्शंस लिख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन का, फिर कोई स्पेसिफिक सेल्स हैं उनको साथ में कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें कर सकते हो कि WBC की जो मेम्ब्रेन है वाइट ब्लड सेल्स की, वो फैगोसाइटोसिस में हेल्प कराती है बाय रिकॉग्नाइजिंग द फॉरेन बॉडी। ओके, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस भी होते हैं, तो जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट है वो भी ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, और उसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है और फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जैसे डिफ्यूजन है और ऑस्मोसिस है। ओके, तो ये अब जो सब्सटेंसेस का, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो बाहर से अंदर की तरफ आते हैं सेल के अंदर, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो अंदर से बाहर की तरफ भेजे जाते हैं, तो उनका जो भी ट्रांसपोर्ट है वो भी आपकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही हो रहा है। ओके, फिर डिफरेंट, जैसे कि अब सपोज करें प्लेटलेट्स की सेल है, प्लेटलेट सेल है, उसमें क्या काम करती हैं प्लेटलेट की जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो हेल्प कराते हैं आपके कोगुलेशन में। तो प्लेटलेट की जो सेल मेम्ब्रेन है वो उसमें, उसके थ्रू मतलब वो भी हेल्प लेती है, उसी की हेल्प से आपका सेल में कोगुलेशन होता है। तो डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट, जैसे न्यूरॉन्स की और मसल्स की सेल में सेल मेम्ब्रेन एज अ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल को पास कराने का काम करती है। तो डिफरेंट टाइप की जो सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस कर सकती हैं, बट ये कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन कर सकती है। फिर हम देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है वो एज अ चैनल, एज अ कैरियर, एज एन एंजाइम, एज अ रिसेप्टर्स काम कर सकते हैं, और उसके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को फंक्शंस इसमें होते हैं। So these are some of the functions of the cell membrane. Okay, thank you.